तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, तो दो खुशखबरी हैं। फर्स्ट टाइम तो यार अपने जेट प्रभजोत भाई की H2 गाड़ी थी, उसका एक्सीडेंट जो हुआ था ना वो आप लोगों को पता है, तो वो एक्सीडेंट नेपाल में हुआ था। और नेपाल में होते हुए वो चीज़ अब वो H2 दोबारा से चालू हो गई है। मैं तो ऊपर वाले से यही प्रे करूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारे जेट प्रभजोत भाई दोबारा से जल्दी से जल्दी हमें दूसरी नई H2 के साथ जल्दी ही देखने वाले हैं, राइड पे देखेंगे, वो भी सेम राइड सेम बाइक। अभी ना दिल अंदर से भरा भरा था कि यार मैंने लोन के लिए पेपर अप्लाई कर दिया, अब इतनी महंगी गाड़ी में कैश लोन लेने में। एक तो हमारी बाइक स्टार्ट हो गई, दूसरी चीज हमने फाइनल कर ली कि हम जी वैगन ले रहे हैं। अभी मेरे को कहीं और भी जाना 6-7 दिन के लिए, कहाँ जा रहा हूँ मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। अभी ऐसा लग रहा है जैसे करोल बाग में नहीं कहीं और ही घूम रहे भाई, कोई छोरी देखेगी आपके लिए। तो आया कौन था? एक भाई आया था। क्या कह रहा? ये कह रहा सर आपके लिए ये है और अंदर कार्ड है जिसने भेजा है। अरे कार्ड दिखाऊं? नंबर नंबर लिख रहा हो तो हटा दे पहले। और इसमें नंबर लिख रखा है बट हमें उसकी नीड नहीं है। इसमें लिख रखा है यू आर द बेस्ट, यू आर डूइंग गुड, कीप डूइंग गुड इन लाइफ, बेस्ट विशेस। तेरे लिए तो सारे आदमी मिला देंगे भाई, वापस डालो एक बार, वापस डालो सही, एक बार डाल दे वापस, आओ घर ले जाओगे, घर को लेके जाऊंगा यार। बंदे खान खोरे बंदे यार, ये बन गया ये भाई जिसने भी दिया भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। है कौन जिसको हमारा एड्रेस पता भी है और नाम भी नहीं लिखा? यू आर डूइंग बेस्ट और ऐसा ही यार अपना है ना, वी आर डूइंग बेस्ट यार। हमारा घर भी बेच दे करो। थैंक्स गाइस बहुत बहुत प्यार देने के लिए और बहुत ज्यादा सपोर्ट देने के लिए और बहुत ज्यादा वोट देने के लिए। और प्रोटीन का डब्बा भी दे दो यार, हम जिम जाते सारे को जेल डाल के दे जाएगा तो। जैसे लोग कहते हैं पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा खराब है, मतलब जो पॉलिटिक्स के अंदर घुस गया वो खराब हो गया, तो इस वाली चीज पे आप मतलब क्या स्टैंड लेना चाहते हो पॉलिटिक्स का? नहीं, पॉलिटिक्स जो कह रहे हैं खराब है, खराब के भी होते हैं कि भाई किस तरह से खराब है। आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हो तो आप जनता की सेवा के लिए करो। पॉलिटिक्स खराब तब है तब आप अपने सेल्फिश हो जाते हो या गलत काम करते हो तो पॉलिटिक्स खराब है, वरना एक बहुत अच्छा माध्यम है पॉलिटिक्स ज्वाइन करके। आप जनता की सेवा, प्योरली जनता की सेवा करने चाहते हो, पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे बोलते हैं कि पॉलिटिक्स तो दलदल है, एक बार इसके अंदर घुस गए तो कहानी खत्म है। नहीं, जिसका मन होता है कि पॉलिटिक्स करनी है और लोगों की सेवा करनी है तो वो सीधे तौर पे आ सकता है, कर सकता है। और दलदल किस तरह का दलदल? नहीं, कोई भी काम करेंगे तो उसमें भाई कोई बिजनेस करते हैं वो फेलियर हो जाता है तो उसको भी दलदल कहते हैं लोग। तो पॉलिटिक्स ऐसा कोई ऐसा मतलब एक तरीके से मिथ बना रखा है। हाँ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, पॉलिटिक्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पॉलिटिक्स, अगर आप साफ सुथरी राजनीति करो तो बहुत अच्छा है। और आपको भाई कितना टाइम हो गया पॉलिटिक्स के अंदर? 2013 से माइंड में आया कि शुरू में भी चलो कुछ किया जाए, पहले यहाँ पे बैठे थे तो लोगों के साथ मिलजुल के कुछ काम करते थे, जैसे सोशल कोज हो जाते थे, जैसे कोई अपने कथा करवा रहा है, इस तरह के काम थे, जैसे गार्ड्स रूम थे 2008-09 में, यहाँ पे गार्ड्स रहते थे पूरे साउथ सिटी 2 में, लेकिन उनको जैसे बारिश होती थी सर्दी होती तो रूम नहीं थे, तो RWA के पास फंड नहीं थे, तो हम लोगों ने मिल के फंड इकट्ठा किया और गार्ड्स वगैरह के रूम बनवाए, तो एक सोशल कोज हो गए बेसिकली। तो तब से शुरू हुआ और फिर 2013 में फर्स्ट टाइम माननीय मोदी जी की रैली थी रेवाड़ी में, तो मैंने चलो एक अटेंड पहली रैली अटेंड करके आए, तो उससे पहले तो अपने बिजनेस में लगे। 2013 से ही आपका स्टार्टिंग हुआ? हाँ बेसिकली पहली रैली 2013 रेवाड़ी से ही, मान लो आप मतलब एग्रेसिवली जो शुरू किया वो 2013 से रेवाड़ी रैली से शुरू किया, उसके बाद अपने यहाँ पे शुरू किया। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि जैसे पॉलिटिक्स किसी ने करनी है, बहुत पैसा चाहिए, बैकअप चाहिए, पावर चाहिए, तो इस पे आपका क्या स्टैंड है कि कितना पैसा चाहिए ये लड़ने के लिए इलेक्शन? पॉलिटिक्स दो तरह के होते हैं, एक पॉलिटिक्स होती है आपको संगठनात्मक पॉलिटिक्स करनी है, जैसे आपको संगठन में रहना है, एक दूसरी पॉलिटिक्स है कि आपको इलेक्शन लड़ना है, तो नो डाउट देखो इलेक्शन में पैसा चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे पैसे वाले लोग ही संग चुनाव लड़ते हैं। हमारी पार्टी में बहुत एग्जाम्पल है, बहुत उदाहरण है जो जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो भी चुनाव लड़े हैं। तो जिनकी सोच अच्छी है पॉलिटिक्स में, वैसे बेसिकली क्या है कि डेली नीड है, अगर आप
परिवार में एक ही हो और आप ही काम करते हो, पूरा परिवार आपका उसी से चलता है, और आप 24 घंटे की पॉलिटिक्स करोगे तो घर में कमाने वाला नहीं होगा, तो फिर आप कोशिश करोगे राजनीति में ही आप कमाने की भी कोशिश करोगे, तो वो फिर वो जिसकी आप दलदल की बात कर रहे हो तो फिर वो शुरू हो जाएगी। अगर आप सेवा भाव से आओगे तो फिर उसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं, वरना देखो पैसे की जरूरत तो नीड तो आपकी है, घर के खर्चे तो हैं ही, सब कुछ है। अब जैसे मैं भी एक हूँ तो मैंने पापा तो कहनी पड़ेगी, पापा जॉब मत छोड़ देना अगर मैं कभी 24 घंटे के पॉलिटिक्स में आया तो। जो हेलो जी गाइस, तो आज की वीडियो की ब्लॉगिंग की शुरुआत होती ब्लैक थार से। ये रही अपनी थार, मस्त एकदम, और इधर रहा रोड। आज वीडियो कुछ ज़्यादा ही छोटी होगी, वीडियो क्यों ज़्यादा छोटी होगी, क्योंकि वीडियो इसलिए ज़्यादा छोटी है क्योंकि यार हम बहुत कम वीडियो बनाते हैं, बहुत कम वीडियो इसलिए बनाते हैं हमको नहीं है ज़्यादा एक्सपीरियंस। भाई लोग इसको कहते हैं बुधवार, और बुधवार में भाई मैं आ रहा था भी कुछ काम से, यार अपने साथ में है कि एक मतलब वो हुआ है, मैं यार चेहरा सीरीज ज़्यादा नहीं दिखाता क्योंकि यार देखो मेरे को ना यार अभी थोड़ी सी शर्म सी आती है, और सही बात हूँ यार वंचर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब यार वंचर ऑफेंड लिख सकते, मतलब लोग देख रहे हैं क्या है वंचर समझ में नहीं आता, लोग ये देखते हैं इनको कर कर ये चूतिया जब रन मैं अकेला लगाऊंगा बड़ा बढ़ाने के लिए। ये क्या दोस्तों, मैं गया था अभी सामान लेने गया था, वहाँ पर पता चला कि लोग मुझे ही देख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि लोग मुझे क्यों देख रहे थे, बाकी तो मेरी शकल कुछ ऐसी हो गई है क्योंकि अभी नहाया धोया नहीं है, नहाएंगे धोई मेरा हीरो बनेगा तुम्हारा भाई, जब हीरो बनेगा ना फिर अलग ही लगेगा नेक्स्ट लेवल, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत खतरनाक तरीके से बचता है भाई साहब, पड़ाके का काम होने वाला है, तुम लोग वीडियो में बने रहना आगे आगे दिखाते हैं तुम लोगों को। तो शकल ही अपनी ऐसी है कि सभी लोग अपन को ही देखते हैं ये कर क्या रही है, मैं तुम लोगों को बता दूं कि अपना ब्लॉगिंग का परमानेंट चालू हो गया है, वो डेली ब्लॉग आएंगे, डेली ब्लॉग आने के तरीके मैं तुम्हें बताऊंगा। सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो चुका है, सो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून आप सभी को, भी बच चुके हैं 12:14, हो चुके हैं रेडी नहा धो के, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। आप लोगों के लिए एक वीडियो, ये सरप्राइज़ है, इस वीडियो में सरप्राइज़ है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, आई होप आप लोगों की वीडियो पूरा देखोगे, तो चलो लेट्स गो। तो देखो मैंने आप लोगों से पहले ही बोल रहा था कि यार इस ब्लॉग में दो चीज़ें बहुत खतरनाक होने वाली हैं, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, तो दो खुशखबरी हैं। फर्स्ट टाइम तो यार अपने जेट प्रभजोत भाई की H2 जो गाड़ी थी उसका एक्सीडेंट जो हुआ था ना, वो आप लोगों को पता है कि वो एक्सीडेंट नेपाल में हुआ था, और नेपाल में होते हुए वो चीज़ अब वो H2 दोबारा से चालू हो गई है। मैं तो ऊपर वाले से यही प्रे करूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारे जेट प्रभजोत भाई दोबारा से हमें दूसरी नई H2 के साथ जल्दी ही देखने वाले हैं, राइड पे देखेंगे, वो भी सेम राइड सेम बाइक H2 पे, वो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, नेपाल राइड जाएंगे वो, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बोल रखा है कि वो उस चीज़ पे बहुत जल्दी से जल्दी काम कर रहे हैं, और अभी वो एक गाड़ी भी लेने वाले हैं जो कि 4.2 करोड़ रुपीज़ की गाड़ी है, वो भी गाड़ी लेने वाले हैं जी वैगन, वो आप लोगों को पता होगा। और दूसरी बात ये है जैसे कि आप लोग यहाँ थंबनेल देख रहे हैं तो यहाँ पर है एलवेश यादव की तरफ से, क्योंकि एलवेश यादव भाई पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो चुके हैं, तो एलवेश भाई भी फाइनली पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, और पॉलिटिक्स में उन्होंने आज ब्लॉग डाला है, वो चीज़ भी आप लोग देख लेना, और आप लोगों को दिख रही होगी कि अपने एलवेश भाई भी ब्लॉगिंग में रिलेटेड और अब वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो चुके हैं, अब वो पॉलिटिक्स में धमाल मचाएंगे, और अब देखते हैं कि पॉलिटिक्स में वो क्या करते हैं। अभी तक तो उन्होंने यूट्यूब पर तो बहुत सारे काम किए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के, उन्होंने मदद भी बहुत सारे लोगों की है, और जेट प्रभजोत भाई भी बहुत अच्छे आदमी हैं, मतलब मैं दोनों भाइयों की यही बोलना चाहता हूँ कि भाई जो मैंने आप लोगों से ब्लॉग में बोला था वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, बस आप लोग भी कमेंट करके बताना मुझे, और मैं भी बहुत जल्दी से जल्दी कहीं राइड पे निकलने वाला हूँ, और आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा वो चीज़। हालांकि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और यार शेयर ज़रूर करना, बाकी तो मैं मेंशन हैशटैग लगा दे दूँगा वीडियो में, तो वीडियो आप लोगों के रिकमेंडेशन से ही चलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय दोस्तों।